ब्याली गई, जब से ही मेरे से टॉर्चर करने लगा। मारता था, पीटता था, जैसे मैं अपने माँ बाप को कहती थी, मेरा फोन तोड़ देता था और माँ बाप से मिलन भी नहीं देख रहा था। नु कह रहा था कहाँ जाएगी वह, गंदी गंदी गालियां देख रहा था, बहुत गंदे गंदे शराब पीता था, ऐयाशी करता था। इन्हू बताओ, मुझको इंसाफ चाहिए, आगे कार्रवाई चाहिए मेरे को, मेरे कुंचर। अब तो इतना यह हरदम करता था, ड्रिंक पीता था, मारता पीटता था। मैं अपने घर जाना चाहती तो घर नहीं जाने दे कर रहा था, मार पीट कर अलग कमरे में गेट दे कर रहा था। मेरे पे बोलना भी नहीं जाता था, पेट में लात गुस्से जो उस पर मारा जाता था वो मारा। अब मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर आई हूँ, अब मेरे पे इतना नहीं बोला जाता। प्लीज इसके आगे कार्रवाई करी जाए। अस्पताल में जाने के लिए क्या करा? नहीं, अभी शरीर में नींबू चढ़ा के मेरा इन्फेक्शन फैला दिया, सारे शरीर में जहर फैल गया। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़ी मुश्किल से, बहुत परेशानी हुई है मुझे। इंसाफ और कार्रवाई चाहिए। तुझे अस्पताल? हाँ जी, सब चीज अस्पताल में। कौन ले गया? मम्मी पापा ले गए थे मेरे को। क्या क्या डालता था बता दे? नींबू, फटकड़ी, शराब, ऐसी ऐसी चीज डालता था, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत गंदी गंदी चीज डालता था, मैं बहुत परेशान थी। क्या चाहते हैं आप? मेरे को इंसाफ चाहिए, उसके साथ खिलाफ चाहिए। मेरे पे बोला भी नहीं जाता, मेरा सारा पेट दुखता है, मुझे इंसाफ चाहिए। कृपया, 14 साल हो गए। मैं 18 साल की ये लड़की थी जब मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसकी शादी करी थी। शादी करने वाले दिन से ही इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर इतना अत्याचार करा। पहले जाते ही बैग करना, मतलब अत्याचार करना, दहेज ना लाना, मारना पीटना। इसने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा तो इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया कि तुझ में आग लगाएंगे लेकिन घर नहीं जाने देंगे। खैर चलो, वो भी हो गया, समझौता हो गया, भेज दिया इन्होंने। कुछ दिन बाद फिर वो ही परेशान करना शुरू कर दिया। फिर मैंने किले थाने में इसकी रिपोर्ट दी तो ये समझौता करके वहां से भी वो लिख के पेपर पे साइन करवा के 5-7 जने ले गए। उसके बाद मिलना चिलना, फोन फान सब चीज बंद कर दिए। इसी तरह होते होते कई साल बीत गए। लड़की की हम कई कई साल तक शक्ल भी नहीं देखते थे। अब आगे लड़की के साथ इन्होंने इतना गलत व्यवहार करा, इतना गलत टॉर्चर करा कि मेरी बच्ची ना लंबे लंबे सांस भर रही थी। पता नहीं इस लड़की ने कैसे कहां से मुझे ये कहा कि मम्मी खड़ी की खड़ी और बैठी की बैठी मुझे ले जा। मैं और मेरी सहेली इसे लेने गए, ये आ गई, हमने इसे दिखाया डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, हम इसका वहां से मेडिकल नहीं करवाने का हमारे पास टाइम था, क्योंकि हमें लड़की बचानी थी। नीली हो गई थी, पूरे में जहर फैल चुका था। इसके इंटरनल में उन्होंने नींबू चढ़ा रखा था, पता नहीं 10 दिन पहले, पता नहीं 15 दिन पहले। लड़की ये खुद बता सकती है, मुझे नहीं पता। इसकी बहुत बुरी हालत थी, मैंने आशीर्वाद में एडमिट करवाया, उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने हैदराबादी में ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। क्या चाहते हो? हम यह चाहती हूँ मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो। मेरी बेटी अपाहिज है, मुझे इंसाफ चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। और ये चाहती हूँ कि सारी मीडिया वाले इकट्ठे होकर सारा मेरा साथ दें। और ये हरियाणा सरकार कहती है महिला सेल में, महिला थाने में लड़कियों की सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है जी। मुझे पता है, आज मुझे 15 दिन हो गए मेरे पास, मुझे अभी ये भी नहीं कि इनके साथ इतना लड़ाई इन्होंने मारने पीटने के बाद। मैंने लिखित रूप में इनकी दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, मुझे कोई तसल्ली नहीं है। प्लीज मेरे जी को तसल्ली चाहिए और मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, तो क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई? महिला थाने में कंप्लेंट आई हुई है, उस पर FIR अभी दर्ज कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कार्रवाई करेंगे। महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगाया सर, कई दिन बाद कार्रवाई की, वो भी इंक्वायरी करेंगे। अगर ऐसा कोई साबित होगा तो वो पुलिस को भी देखेंगे क्यों उन्होंने किया, क्यों तक कार्रवाई नहीं हुई, ये चेक करेंगे।